लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पर अगर निकालनी हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल ई वेक्टर, तो ई की वैल्यू हमने पॉइंट चार्जेस की वजह से निकाली। तो अभी तक हमने काम पॉइंट चार्ज पे किया। उसके बाद हमने एक डायपोल लिया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। उस डायपोल के एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया, तो डायपोल के एक्सिस के ऊपर पॉइंट को कौन सी लाइन बोलते हैं, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर हमने ई निकाला। उसी तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे ई निकाला, तो उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और एट एनी पॉइंट भी निकाला। तो अलग अलग पॉइंट्स पर हमने ई की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो ये हमने लास्ट टाइम किया। उसके बाद हमने दो शॉर्टकट फॉर्मूलाज बनाए थे शॉर्ट डायपोल के लिए। एक्सियल लाइन में अगर ई का फॉर्मूला लगाना है तो ये फॉर्मूला 1/4 pi epsilon 2 p/r³, और इक्वेटोरियल में ये फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूलाज हमने डराइव किए। इसके एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ये भी डिस्कस किया था कि जिसके अंदर एक रिजल्ट बनाया था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो राइट की तरफ है, एंड कोई पॉजिटिव चार्ज को अगर हम उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज अगर रखें तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये रिजल्ट हमने किया, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमने देखा। तो अब ये कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक पेंडुलम है, और ये जो पेंडुलम है उसका जो मास है वो 80 मिलीग्राम है, इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ कितना, 2×10⁻⁸ कूलम, इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2×10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक पेंडुलम है, धागा है, और नीचे चार्ज पार्टिकल है। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर इस धागे के नीचे चार्ज पार्टिकल हम रख दें तो वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, वो वर्टिकल होगा। अब होगा क्या, क्योंकि वो वर्टिकल होगा और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो चार्ज पार्टिकल पड़े तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और थोड़ा सा राइट या लेफ्ट चला जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ये एक धागा था, चार्ज पार्टिकल था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, और इलेक्ट्रिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स एक्सपीरियंस की कितनी, क्यूई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करवाई, क्यूई, जिससे चार्ज पार्टिकल लेफ्ट चला गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगा होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूई। अब जब भी धागे वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं और सब कुछ होता है, इसके अंदर क्या पॉइंट देखना होता है हमें, तो जितने ये स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपका जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो जाता है जब वो थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक, उसमें टेंशन आ जाती है। हमने फोर्स के अंदर भी ऐसा कुछ किया कि जिसमें टेंशन आ जाती है, तो फोर्स के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रिंग है टेढ़ी है, तो ऐसा हमने किया था, टेंशन टी आ गई, टेंशन टी, और ये थीटा, तो ये भी थीटा ऑल्टरनेट एंगल। तो टेंशन टी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, पहला कॉम्पोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, दूसरा क्या होगा, टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब क्योंकि उसने कहा ये रेस्ट पे है, और अगर ये रेस्ट पे है तो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ए। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, उसने कहा इक्विलिब्रियम है, रेस्ट है, तो रेस्ट पे कब होगा, जब ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, एंड लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स। तो यही हमने इसमें लिखा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ए, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इन्हें अगर डिवाइड कर लें दिस अपॉन दिस, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी, क्योंकि आपको क्यू पता है, ई पता है, एम पता है, और जी पता है, सारी वैल्यूज को पुट करके क्या आएगा, टैन थीटा। तो टैन थीटा मान लो 0.5108, अगर गलत भी आ रहा है मुझे पता नहीं, कैलकुलेशन कोई गलत आ रही है, बट जो भी आएगा आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं। आपको एंगल मालूम है तो ठीक है, नहीं तो लिख दें टैन इनवर्स 0.5102, सफिशेंट है। तो एक आंसर आ गया। दूसरा, क्योंकि आपको इसमें क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है, एंड साथ में एंगल भी निकालना है। एंगल तो हमने निकाल ही लिया, टेंशन के लिए कुछ ना करो, इस थीटा जो भी आया इसकी वैल्यू को या तो ऊपर या नीचे कहीं पर भी पुट कर लो, टेंशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, तो मैंने यहाँ गलत कर दिया, टी साइन थीटा करेक्शन करो, यहाँ पर एम जी नहीं आएगा, यहाँ पर क्यू ई आएगा, यहाँ पर करेक्शन है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू ई आएगा। क्लियर है यहाँ तक?
तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी नहीं है, इसी क्वेश्चन में टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई है, क्यू ई, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन गलत है, इसको क्रॉस कर दो, अपनी कैलकुलेशन खुद करना, इसकी कैलकुलेशन गलत है आप सारी। बट आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसमें एंगल निकालेंगे, कैसे इसमें हम टेंशन निकालेंगे, इक्वेशन समझ में आ रही है, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा किसके साथ इक्वेट करेंगे हम इसमें। तो इसके बेस पे जैसे ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस गिवन 5 × 10⁻¹⁹ एंड 20 × 10⁻¹⁹ आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर पार्ट, तो 2 मीटर पार्ट हैं ये। आगे फाइंड पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम, इनके ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जाए एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, तो यानी कि यहां पर नेट ई की वैल्यू क्या आए, जीरो। अब जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या रखना होता है, प्लस 1, तो 1 रखें। अब सोचें कि अगर ये 2 है और आपको x निकालना है तो ये डिस्टेंस 2 माइनस x है, तो यहाँ पर e कौन लगाएगा, ये लगाएगा और ये लगाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस 1 को रिपेल करेगा, तो e कैन बी कैलकुलेटेड। ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस 1 को रिपेल करेगा, e कैन बी कैलकुलेटेड, दोनों e ऑपोजिट होंगे और आप ये चाहते हो कि नेट e इसके ऊपर क्या आए, 0। और नेट e 0 कब आएगा, जब लेफ्ट का e और राइट का e आपस में क्या करेगा, कैंसिल। तो करें सॉल्व और x निकालें प्लीज, ट्राई करें। ठीक है, तो इसमें आप इसमें जब ट्राई करेंगे इसमें, तो जहां पर ई निकालना है, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस 1 को क्या करेगा, रिपेल, तो ई निकाल लेना 1/4πε₀5 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस 1 को क्या करेगा, रिपेल, तो ई की वैल्यू कितनी प्रोड्यूस करेगा, 1/4πε₀20 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय 2 − x का होल स्क्वायर। और अगर आप चाहते हैं कि नेट ई क्या है, 0, तो इस ई की वैल्यू और इस ई की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेट, तो इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करें इसे, तो 1/4πε₀20 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय 2 − x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε₀5 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। इन्हें इक्वेट करें, कैंसिल करें टर्म्स को और चेक करें क्या एक्स की वैल्यू 2/3 आ रही है, आंसर। तो आपको मेथड क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, ठीक। सक्षम क्लियर है, यस सर, यस सर, ठीक ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जैसे हमने मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था बिल्कुल उसी बेस पे, क्या कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट मे फ्लोट, फ्लोट का मतलब रेस्ट पे, रेस्ट पे फ्लोट करेगा, ई आपको गिवन है।
अब मुझे एक बात बताओ, एक कॉइन में से जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूंगा तो उस कॉइन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो डेफिशिएंट हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज है। तो एक कॉइन नीचे क्यों गिरेगा? बिकॉज ऑफ इट्स वेट एम जी। क्यों नीचे नहीं गिरेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बचाएगी। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट करता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को इसके ऊपर फोर्स ऊपर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कब आएगा? जब नीचे की प्लेट पॉजिटिव और ऊपर की नेगेटिव, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो ये डायग्राम क्लियर है? देखो ये चीज़ें आपको गिवन नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपसे कोई पूछेगा भी नहीं ये बनाओ, आपको मैंने बता तो दिया था कि अल्टीमेटली आप कुछ समझ में नहीं आएगा, कम से कम ये तो कर ही लोगे कि क्यू इज इक्वल टू एम जी, ये तो कर ही लोगे। पर आपको समझ में आना चाहिए कि जब वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर चाहिए होगा, ताकि क्यू इज इक्वल टू एम जी। अब चार्ज इसमें कॉइन में होगा क्या? जो चार्ज की वैल्यू है वो इसमें होगी क्यू इज इक्वल टू एन ई। मान लो एन इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए तो उस कॉइन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो अगर आप चाहते हो कि ये नीचे ना गिरे तो क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। और चार्ज की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एन ई इन टू कैपिटल ई इज इक्वल टू एम जी। तो एन की वैल्यू निकालने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है 10 इज टू पावर 9, मास कितना है इसमें? मास की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3 इंटू 9.8। तो इसे सॉल्व करके एन कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि एन कैसे आएगा? कोई डाउट इसमें? डायग्राम देखो, डायग्राम में अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कॉइन है, ये कॉइन पे का वेट नीचे की तरफ है, आप चाहते हो नीचे ना गिरे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई कहाँ लगनी चाहिए? ऊपर। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है। नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑपोजिट ई के फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पॉजिटिव चार्ज अलोंग ई करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज नीचे है और नेगेटिव ऊपर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे सोचना है। तो क्लियर है ऑनलाइन वालों को? हो जाएगा सॉल्व? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालनी है, कहां पे? पी पे, क्यू पे, सी पे, तीन पॉइंट्स पर ई निकालो, जहां ही निकालना है प्लस वन। पहले पार्ट में आप सिर्फ पी पे निकाल लें, बस पी पे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है,
आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि डायपोल है, आपको खुद अंदाजा लगाना है देख के कि इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आपको इसके सेंटर पे पी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कुछ यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है। रादर मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ, एक सेकेंड रुको। तो इसमें कुछ ऐसा केस गिवन है कि एक चार्ज है 10^-8 कूलम और दूसरा चार्ज है -10^-8 कूलम और ये इसका सेंटर पॉइंट है पी। तो मुझे यहाँ पर अगर ई निकालना है तो अपने मन में क्या सोचें, चार्ज कितना पड़ा हुआ है, +1, तो +1 चार्ज पड़ा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस +1 को क्या करेगा अपने से दूर, रिपेल। तो ई की वैल्यू लगाएगा 1/4πε0(10^-8)/, क्योंकि ये डिस्टेंसेस भी आपको गिवन है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है कुछ ऐसे, तो डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर। तो एक वैल्यू आ गई, फिर ये पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया और ये नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी किया, तो एक वेक्टर यहाँ भी बनेगा, इसके ऊपर ही बनना चाहिए वैसे। तो ई की वैल्यू इसकी वजह से क्या हुई, नेगेटिव की वजह से 1/4πε0 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, पॉजिटिव ने प्लस को रिपेल किया, नेगेटिव ने प्लस को अट्रैक्ट किया, तो नेट ई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/4πε0(10^-8) डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0(10^-8) मैग्नीट्यूड ही लेना है, 0.05 का होल स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम, इसे सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेट। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर आ गया, इसे सॉल्व कर लेना, 9×10^9 वैल्यू पुट करके चेक कर लेना क्या आंसर आ रहा है, 72,000 कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक से वैल्यू आ रही है इसकी, 72,000 टाइप ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। कितने लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स करने शुरू कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, बुक्स ले ली हैं, ठीक है। एक बुक मैं भी दूंगा आपको, 300 पेज की आ रही है, अभी प्रिंटिंग चल रही है उसकी, हाँ इट्स ओके। नहीं उसके साथ एक्स्ट्रा भी, अब देखो दो चीज़ें कर, तीन चीज़ें करनी है आपको बता देता हूँ। अगर फिजिक्स में कोई भी ढील नहीं बरतनी और आप मेंस का पेपर एकदम फुल शॉट के साथ या नीट का पेपर एकदम फुल देना चाहते हो कि आपको सारा पेपर आता हो, उसके फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले आप शीट्स करो, मेरी हैंड रिटन शीट में कॉन्सेप्ट सारा कवर्ड है। फिर सेकंड लेवल में आप ऑब्जेक्टिव शीट्स करो, जो मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, वो सेकंड लेवल है। फिर थर्ड लेवल अरिहंत की बुक करो जैसे आप कर रहे हो, और एंड में जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप पुराने पेपर की बुक लेंगे, उसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब वो तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ऐसी वैरायटी किताब के अंदर आपको मिलेगी नहीं कहीं, मेंस के ऐसी बुक्स पेपर हैं, पर अभी नहीं, उसको हम एंड में रखेंगे जब एकदम फुल प्रिपरेशन हो जाती है और जब हम बिल्कुल एकदम सेकेंड राउंड में तैयारी करते हैं तो फिर पुराने पेपर करते हैं हम, तो वो इसलिए भी ज़रूरी है, अभी कर लेंगे तो भूल जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, वो एंड में करते हैं ना, तो इकट्ठे पेपर करते हैं, 2022 का किया, 21 का किया, 20 का किया, तो उसमें एकदम प्रैक्टिस हो जाती है, अभी कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम है। लेकिन आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, यही तरीका है, और फिर टेस्टिंग पे आ जाएं, रिवीजन करें, टेस्ट पे आ जाएं, बस यही तरीका है। आपका कोई नंबर नहीं कटेगा अगर आप इस फॉर्मूले को जो है फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, सारा काम थॉरो करें और इस तरीके से लेयर्स में काम करें। पहले एक लेयर करें, शीट्स कर रहे हैं, उसके बाद फिर सेकंड मेरी शीट्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद अरिहंत कर रहे हैं, उसके बाद फिर पुराने पेपर कर रहे हैं। पुराने पेपर भी रहने दें, अब इतना ही हो पाएगा आपसे, आप मेरी शीट्स करें, अरिहंत करें, ये भी बहुत है, नवंबर दिसंबर तक ये भी कर लें तो बड़ी बात है। एंड मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ दोनों बैचेस में से, आप मानोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर चुके हैं मेरी रिकॉर्डिंग से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर चुके हैं, अरिहंत भी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो मतलब लोग एक दूसरे को बताएं या ना बताएं, मेरे से तो क्या ही छुपाएंगे, तो मेरे को तो पता ही है, डाउट्स आ जाते हैं, मैं तू कहाँ पहुँच गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहुँच भी गया, अभी तो लोग फील्ड में, कहता उन्हें कर लिया, तो मतलब थोड़ा आगे भी चल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी आगे चलें, मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ कम से कम साथ साथ तो चलें, क्योंकि शुरू में स्पीड मैंने कहा था 1 वीक स्लो, तो लोग कह रहे थे कि पता नहीं मेरे पे प्रॉब्लम है कि पता नहीं फिजिक्स में प्रॉब्लम है, ऐसा आदत नहीं हमें फिजिक्स में फील करने की। तो अभी सी चैप्टर आएगा, फिर एकदम नई चीज़ें आएंगी, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें और
इसको छोड़े नहीं, राइट, साथ साथ करें, नहीं तो फिर बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, कवर नहीं होगा, ठीक है। तो देखें इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब मुझे कहाँ पे निकालना है, मुझे क्यू पॉइंट पे निकालना है, मुझे क्यू पॉइंट पे निकालना है, देखो इसमें फिर से, अब इसमें क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, अब की बार आपको ये डायपोल है, और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ई निकालना है, दो तरीके हैं, जहाँ पे ई निकालना है प्लस वन कर दें, तो ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा, वो नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा, पर क्यों कर रहे हैं, ये तो वही बात होगी कि आप एक्सियल लाइन की डेरिवेशन कर रहे हैं, ये पॉइंट किस पे लाई करता है, डायपोल की एक्सियल लाइन पे, तो आप एक्सियल लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, तो एक्सियल लाइन में ये डायपोल है, आप एक्सियल लाइन में जो डिस्टेंसेज निकालते हैं आर, वो कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम सेंटर निकालते हैं, तो सेंटर से ये दूरी है कितनी, ये इतनी दूरी है ना, इससे डबल है, तो ये पॉइंट क्लियर है, आर की वैल्यू क्लियर है, क्यू आपको पता है, तो एक्सियल पॉइंट पर जो फॉर्मूला मैंने करवाया था शॉर्ट डायपोल का लगा लेते हैं, 1/4πε0 2π/r का क्यूब, 1/4πε0 2 × p क्या होता है, q into 2a divided by r cube, तो 9 × 10⁻⁹ into 2 into charge की value कितनी है, 10⁻⁸ into 2a, 2a का मतलब क्या है, ये a है और ये a है, 0.05 + 0.05 divided by r का cube, r कितने है, 2 × 0.05 का whole cube, तो क्या ये point सबको clear है, ठीक है, हमारे पास R भी है, हमारे पास A भी है, A प्लस A क्या होता है 2A, हमारे पास A भी है, हमारे पास R भी है, और हमने इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, तो E की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, इसकी P पॉइंट नहीं, P पॉइंट पे तो चार्ज है ही नहीं ना, तीन पार्ट हैं इसके, जब पी की बात करते हैं तो प्लस वन पी पे लेंगे, जब क्यू की बात कर रहे हैं पी को भूल जाएंगे, अब प्लस वन यहाँ लेंगे, पर इसको ड्राइव नहीं करेंगे, ऐसा भी तरीका है कि पॉजिटिव पॉजिटिव और रिपेल करेगा, तो हमें पता ही एक्सेल है तो एक्सेल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, अब जब हम सी की बात करेंगे तो पी को और क्यू दोनों को भूल जाएंगे, अब सी की बात करेंगे तो ऐसे होगा, पी की वैल्यू क्यू इंटू टू ए डायपोल के लिए, तो क्लियर है यहां तक, फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें ना मैंने शॉर्ट डायपोल लगा दिया, वैसे शॉर्ट डायपोल लगा के ठीक भी नहीं किया, उसका रीज़न है क्योंकि शॉर्ट डायपोल तब लगता है जब आर बहुत बड़ा होता है ए से, आर कितना है 2 × 10⁻⁵ और ए कितना है 0.0, तो बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए आंसर में वेरिएशन आ रहा है, आंसर कई लोग कह रहे हैं ना कि आप वेरिएशन आ रहा है आंसर में, तो उन्हें शॉर्ट डायपोल लगाया जिससे कि वेरिएशन ज़्यादा आ गई, जबकि ये शॉर्ट डायपोल है नहीं, तो मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसे ही करना चाहिए कि जहां प्लस वन रखते हैं तो या तो पूरा डायपोल का बड़ा फॉर्मूला लगाओ उससे आंसर आएगा, या फिर ऐसे कर लो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो 1/4πε0 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर, ये ज्यादा बेटर है एक आंसर, वो नेगेटिव इस प्लस वन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ई की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
और इनके बीच में दूरी कितनी है, 0.05 × 3। तो अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस। तो नेट ई के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस आंसर आए। ये ज़्यादा बेटर है, इसमें अप्रॉक्सीमेशन कुछ नहीं है, इसमें एग्जैक्ट रिजल्ट ही आएगा। तो मैंने जो लगाया वो अप्रॉक्सीमेट आंसर दे रहा है, पर क्योंकि वो पूरा शॉर्ट डायपोल नहीं है तो आंसर कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया। तो ये इससे तो गलत हो ही नहीं सकता, प्लस वन रख के करेंगे, इससे गलती हो नहीं सकती कभी भी। तो ये भी ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, प्लस वन रखे और आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया और माइनस ने प्लस वन को अट्रैक्ट किया, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, शायद ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है इसके लिए, ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो आंसर में वेरिएशन क्यों आया ये भी क्लियर है, तो शॉर्ट डायपोल था नहीं है। उसी तरीके से जो आखिरी पार्ट है, फिर डायपोल है प्लस एंड माइनस, तो आपने आर डिस्टेंस पे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ई निकालना है। अब वैसे तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा लो, अब इक्वेटोरियल का शॉर्ट डायपोल मत लगाना, आंसर चेंज हो जाएगा। या तो पूरा फॉर्मूला लगाओ, पूरा फॉर्मूला तो यार मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि डिनोमिनेटर में रेज टू पावर 3/2 है, तो पूरा फॉर्मूला लगाना मुश्किल है। कोई बात नहीं, हमें एक तरीका तो आता ही है, प्लस वन रख लो। तो जहाँ पर हमने ई निकालना है वहाँ प्लस वन रख लेते हैं, तो ये 0.05 है, ये 0.1 है, तो पाइथागोरस से ही आर तो आ ही जाएगा। तो जहाँ पे ई निकालना है प्लस वन, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ई आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4π ε0 10 रेज टू पावर -8 ÷ 0.1 2। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्लस ने इस प्लस वन को रिपेल किया और इस माइनस ने प्लस को क्या किया, अट्रैक्ट किया। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, क्योंकि नेगेटिव तो लेना नहीं होता, तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप ये लेते हैं कि आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे इसके पैरेलल, और इमेजिन करें ये थीट है। अगर ये थीट है तो ये भी कितने थीट है, और अगर ये थीट है तो ये भी कितने थीटा, क्योंकि थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग थीटा थीटा ऑल्टरनेट। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें ये ई है, तो ई के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला कॉम्पोनेंट क्या है, ई कॉस थीटा, दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है इसका, ई साइन थीटा। सिमिलरली इस ई के भी दो कॉम्पोनेंट्स हैं, ई कॉस थीटा, और एक नीचे जो कॉम्पोनेंट जाएगा विल बी इक्वल टू ई साइन थीटा। तो ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट आपस में कैंसल, तो नेट ई की जो वैल्यू है विल बी इक्वल टू 2e cos थीटा। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? तो नेट वैल्यू क्या होगी, वर्टिकल कॉम्पोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट वैल्यू क्या होगी, 2e cos थीटा, ठीक है यहाँ तक। तो e की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1/4π ε0 10⁻⁸ ÷ 0.1³ cos थीटा। cos थीटा इस ट्राइंगल से निकाल लो, 0.05 ÷ 0.1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है, मेथड क्लियर है। इक्वेटोरियल का मत लगाना, क्योंकि इक्वेटोरियल में फिर क्यूब स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब ठीक है, ओके। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि ई की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें, ठीक। तो आपको ई तो आसान है निकालना, प्लस वन रखो और ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 cm इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5×10⁻⁴ N/C. फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टाइम ऑफ फॉल। देखो इस प्रॉब्लम के अंदर या ऐसी टाइप की प्रॉब्लम के अंदर कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने प्रोड्यूस किया इन प्लेट्स पे कुछ चार्ज प्रोड्यूस करके, वो आप बताएंगे कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। वो नीचे गिर रहा है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नीचे गिर रही है। आप कहोगे सर नीचे तो वैसे भी गिरता, मैंने कहा पूछा क्यों, तो आपने कहा वेट उसको नीचे गिरता। तो चलो मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं निगलेक्ट
ग्रेविटी, प्लीज ग्रेविटी को अप्रोक्सीमेटली जीरो ले लें, उसकी बात ही ना करें। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। कितनी हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट ही है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर? ई। तो फोर्स एक्सपीरियंस इज क्यू ई। तो मुझे एक बात बताओ कि ये क्यू ई फोर्स कहाँ लगनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन नीचे गिरे, ऊपर कि नीचे? क्यू ई फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, ऊपर कि नीचे? हाँ, दोनों। क्यू ई फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो क्यू ई फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, नीचे कि ऊपर? अच्छा, मतलब कि मैं अगर नीचे गिर रहा हूँ तो मेरे पर, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ और मेरे पर फोर्स लगेगी ऊपर, फिर मैं कहाँ गिरूंगा? नीचे। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा पूछा, मैंने फोर्स पूछा। तो मेरे पे फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? नीचे। तो मेरी फोर्स नीचे, एफ पूछ रहा हूँ, ई नहीं पूछ रहा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू ई, ई इंटू ई। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगनी चाहिए? नीचे, ताकि वो नीचे गिरे। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन नीचे गिरे, ऊपर? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अगर फोर्स नीचे एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पक्का कहाँ होगी? ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस इज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो ये वाली प्लेट को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। एंड ऊपर वाली प्लेट को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? बोलो। एक इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है? एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे गिर रहा है तो वह फोर्स कहां लगनी चाहिए? नीचे, नीचे। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे एक्सपीरियंस कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए? ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। रूल क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो हमें यह पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? ऊपर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑटोमेटिकली कहां लगेगी? नीचे। अगर यह प्रोटोन होता तो पॉजिटिव चार्ज होता, तो प्रोटॉन अगर नीचे गिरना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाता मैं? नीचे, क्योंकि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे डिसाइड करते हैं, समझ में आ रहा है? तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन की फोर्स नीचे है, इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ऊपर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, पीछे सबको क्लियर है? तो ये स्टेप हो गया। ठीक, मेरा अगला क्वेश्चन है, अब इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है बाय अ फोर्स ऑफ ई इंटू ई, ये रहा, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी नीचे गिरने की? फोर्स को किससे डिवाइड कर दें? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। तो कितनी एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है? इतनी एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेप भी क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को हमने रेस्ट से गिरा और मान लो वो 4 सेंटीमीटर नीचे गिरा, ठीक, तो उसने एस कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट 4 × 10⁻²⁻²⁻ राइट, एस आ गया। तो कितने समय में वो नीचे गिरा? तो यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी, यू तो जीरो है, ½ × 80²। तो s की जगह 4 × 10⁻²⁻², हाफ, एक्सेलरेशन की जगह क्यू ई बाय एम इंटू टी का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, यहां से टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप क्लियर है? अगर मैं अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैंसिल ना करता, चलो अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी है, तब एक्सेलरेशन क्या होती? अच्छा, तो फोर्स क्या होती इलेक्ट्रॉन के ऊपर? क्यू ई प्लस एम जी। अगर ग्रेविटी होती तो क्यू ई तो एक्ट करता ही करता, साथ में एम जी भी एक्ट करता। क्या ये स्टेप समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं है तो एम जी नहीं लेंगे, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है तो एम जी भी लेंगे। सबको क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही करना है आपको,
एक इलेक्ट्रॉन 4 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, तो एक्सेलरेशन क्या है, क्यू ई बाई एम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻³⁻¹, वैल्यूज पुट करके आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। पहला स्टेप क्लियर। आपको ये बताना है कितना टाइम लगा उसको गिरने में, 4 सेंटीमीटर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u इज इक्वल टू 0, s की जगह 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, एक्सेलरेशन हमने ऊपर निकाल ली, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले एक्सेलरेशन निकलेगी, फिर मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम निकलेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक ठीक है, आगे। अब Sir? अगले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन को नहीं घेरना, मुझे किसे घेरना है, प्रोटॉन को घेरना है। अब प्रोटॉन की स्टोरी क्या है, अगर प्रोटॉन को घेरना है कहाँ घेरना है, नीचे घेरना है। प्रोटॉन पे फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, नीचे लगनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, नीचे, क्योंकि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, फोर्स भी नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे है। क्लियर? हालांकि ये बनाने को कहा नहीं, वैसे ही डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक, तो मुझे पता है जब प्रोटॉन नीचे गिर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर क्या एक्ट करेगी, क्यू ई, और एक्सेलरेशन प्रोटॉन की क्या होगी, क्यू ई बाय एम। ये देखो, प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही तो होता है, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन जितना नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एंड प्रोटॉन की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ये स्टेप समझ में आ रहा है? बोलो। फिर सारी गेम तो प्रोटॉन का मास रिलेट कर दिया। ये बहुत ही छोटे लेवल पे क्वेश्चन हो रहा है जहां मासेस को कंसिडर किया जा रहा है, मतलब बड़ी बात है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी तो क्वेश्चन है, निगलेक्ट किसे करूँ, एक इलेक्ट्रॉन का मास तो लेना ही पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऊपर क्वेश्चन है तो मास नहीं निगलेक्ट कर सकते। तो ये तो जी निगलेक्ट किया, इसमें जी निगलेक्टेड लिख लेना यहाँ पर, इन दोनों क्वेश्चन में जी इज निगलेक्टेड लिख लो, जी इज निगलेक्टेड इस दोनों क्वेश्चन में, अदरवाइज तो आप एम जी भी लोगे। ठीक है, तो मैंने तो जी निगलेक्ट किया है, तो क्यू ई बाई एम आ गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी, और टाइम निकालने के लिए एस इज इक्वल टू 0 + ½ × एक्सेलरेशन की जगह क्यू ई बाय एम इंटू टी का स्क्वायर, तो सॉल्व करके टी कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि मास डिफरेंट है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिफरेंट है और एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो टाइम की वैल्यू भी यहाँ पर डिफरेंट आएगी। बट क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? सर एक बार ये बता दो कि ग्रेविटी को निगलेक्ट क्यों किया? क्योंकि मैंने कहा ग्रेविटी को निगलेक्ट करें, इसलिए। मैं नोट करवा रहा हूँ, लिखना भूल गया मैं इसमें, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा निगलेक्ट ग्रेविटी। ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है